आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद डेलिया। स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद डेलिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप सब देखने वाले बच्चों को आपके पसंदीदा शो स्टोरी टाइम में वेलकम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सेफ होंगे। और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। लेकिन उससे पहले हमारे शो में भी आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे मौजूद होते हैं, लेकिन आज जो बच्चे मौजूद हैं वो आपकी तरह हमारे शो को देखते थे और इन्जॉय करते थे, और उन्होंने हमें मैसेज किया, हमने उन्हें अपने शो में वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हसन बिलाल। हसन बिलाल, अच्छा बिलाल आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं? फाइव क्लास में हैं। बिलाल, आप हमारा शो देखते थे? हाँ जी। कैसा लगता था आपको हमारा शो? ये आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती थी। ओ शाबाश, थैंक यू। और आपका क्या नाम है? अली हसनैन। अली हसनैन, अली हसनैन कौन सी क्लास में है? टू। अच्छा, हसनैन को हमारी स्टोरी टाइम में क्या अच्छा लगता है? बबलू भाई। अच्छा, बबलू। बबलू क्यों नहीं आया आज? खैर है, बबलू कहाँ रह गया? बाजी, बबलू भाई अपने घर से हमारे लिए कुछ खाने खिलाने गए हैं, इसलिए वो उनको देर हो गई होगी। अच्छा, तो बबलू हमारे लिए कुछ खाने को लेने गया है। अब बहुत वजनी है ये तो। वाह वाह, आज तो बबलू हमारे लिए कुछ लेके आए हैं। बबलू, ये तुम क्या लेके आए हो आज हमारे लिए? बाजी, आज मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के लिए कुछ लेकर आऊं, तो मैं ले आया। क्या आप खाओगे मेरे दोस्तों? जी जरूर। वाह, आज तो बबलू हम सबके लिए कुछ खास लेके आया है, तो इसका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया बबलू भाई। वेलकम 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 वेलकम। चले बिलाल, आप देखें क्या लेके आए बबलू, लेके आए जरा। लगता है कुछ यमी है। ये तो खाली है। खाली है ये क्या बबलू भाई? दिखाई नहीं देता आप लोगों को? बबलू भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो गलत भाई है बबलू भैया। ये तो गलत बात है बबलू भैया। मैंने बुद्धू बनाया। वाह वाह, बड़ा मजा आया। ये क्या किया है बबलू आपने? आपने सबको बेवकूफ बनाया है, कितनी गलत बात है। कोई किसी के साथ ऐसा करता है? मैंने क्या किया बाजी, मैंने इनसे कहा था कि खाने के लिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाता हूँ, ले आया। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं बबलू, जिस तरह आज आपने अपने दोस्तों के साथ ऐसा किया है कि उनको कहा मैं कुछ खाने के लिए ला रहा हूँ, और आपने उनके साथ, उन्होंने उम्मीद भी बना ली कि शायद आप कुछ ला रहे हैं और आप कुछ नहीं लेके आए, अगर कोई आपका दोस्त आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, कोई करके तो दिखाए, मैं बताता हूँ फिर उसको। तो यही तो मैं कह रही हूँ बबलू, कि जो काम आपको अपने लिए पसंद नहीं है वो किसी दूसरे के लिए भी पसंद नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। सॉरी बाजी। मुझे बस सॉरी कहो बबलू, अपने दोस्तों को सॉरी करो, आपने इनके साथ ऐसा मजाक किया है। ओके सॉरी मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं बबलू भाई, मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसे करने से पहले बबलू ये सोचना कि जो काम आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो किसी के लिए भी नहीं करना, ठीक है? आइंदा करोगे ऐसा? नहीं बाजी, मैं समझ गया। जी तो बच्चों, हमने बबलू को कर दिया है माफ। इसी के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी टिट फॉर टैट। हैं, इसका क्या मतलब बाजी? इसका मतलब ये है कि हम किसी के साथ जैसा भी करेंगे वही काम आपके साथ भी होगा। आप समझ आई आप लोगों को? जी जी बाजी, समझ गए। अच्छा शाबाश। इसी तरह कहानी का आगाज करते हैं। एक जंगल में एक सारस और एक लोमड़ी रहते थे। सारस? अरे हाँ बाजी, वही क्रेन ना? जी क्रेन। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं बच्चों कि हम इसको क्रेन क्यों कहते हैं?
क्योंकि वो क्रेन की तरह चीजें उठाता है। शाबाश, स्क्रीन पे देखें। आपको पता है सारस और बगले को क्रेन कहते हैं क्योंकि इनकी जो चोंच होती है ना बहुत लंबी होती है। हाँ, और अपनी चोंच के जरिए पानी में जाकर मछलियाँ भी पकड़ता है ये। लगता है बबलू को हमारी बगले वाली कहानी याद है, इसलिए आज सवाल के बजाय जवाब दे रहे हैं। वाह वाह जी जी बाजी, मुझे तमाम कहानियाँ याद है, मैं तमाम कहानियाँ याद रखता हूँ। जी शाबाश, आप लोगों को भी जो मैं कहानियाँ सुनाती हूँ उनको याद रखना है, ठीक है बच्चों? जी बाजी। जी तो बच्चों, फिर हम अपनी कहानी का आगाज करते हैं। वो जो दोनों थे बहुत गहरे दोस्त थे, यानी बेस्ट फ्रेंड। एक दिन लोमड़ी सारस के पास जाकर इसको अपने घर खाने पर इनवाइट करती है और कहती है, सारस भैया कल आप मेरे घर मेहमान हैं और मुझे मेहमानदारी का मौका दें, तो इसलिए आप कल मेरे घर खाने पर ज़रूर आए। सारस भी कहता है, ठीक है लोमड़ी, मैं आपके घर कल ज़रूर आऊँगा। आप लोगों के घर मेहमान आते हैं? जी बाजी। जी जी, मेरे घर तो आते हैं। तो मुझे बताएं कि आप लोग इन लोगों को कैसे रिसीव करते हैं अपने मेहमानों को? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बताएं आपको किसने रोका है? आप कव्वे की तरह काई काई करते हैं, बगले की स्टोरी सुना रही हूँ। मैं तो आते ही उनका हाथ पकड़ कर अंदर ले आता हूँ पकड़ के फौरन। अरे बबलू, मेहमान होते हैं मेहमान, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि किस तरह आप उन्हें रिसीव करते हैं? आप लगता है उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। तो क्या करते हैं बबलू? जब मेहमान आते हैं तो इनको सलाम करते हैं, इसके बाद पहले उनको पानी पूछते हैं, और जब बड़े आपस में बात कर रहे होते हैं तो दरमियान में इनकी बात में नहीं बोलना चाहिए। समझ आई बबलू आपको? जी बाजी समझ गया। तो कहानी कुछ यूँ है कि जब सारस लोमड़ी के घर पहुँचा तो लोमड़ी ने बहुत अच्छे से वेलकम किया और कहा, आओ मेरे दोस्त, खाना बिल्कुल तैयार है। जब इसने खाने को देखा तो आपको पता है लोमड़ी ने क्या किया? क्या क्या बाजी क्या किया? लोमड़ी ने सारस को खाना दिया, और खाना पता है किस पे दिया? एक प्लेट में उसको शोरबा दिया। हम भी तो प्लेट में खाते हैं। तो इससे क्या हुआ, प्लेट में ही खाना खाते हैं ना बाजी? नहीं बबलू, वो तो हम खाते हैं ना, सारस तो गहरी चीज में खाना खाता है क्योंकि इसकी चोंच लंबी है, और वो क्या करता है अपनी उससे अपनी चोंच से चीजें उठाता है, तो इट्स पेन कि वो प्लेट से कैसे लेगा क्योंकि उसकी चोंच बहुत लंबी होती है, तो कैसे खाएगा? तो उसने उसके साथ गलत किया। ओ अच्छा, ये लोमड़ी होती ही बड़ी चलाके, अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल सही कहा आपने बबलू, लोमड़ी होती ही चलाके। मैंने तो अपने दोस्तों से माजरत की है ना, क्यों दोस्तों मुझे माफ किया ना तुम लोगों ने? जी बबलू भाई हमने आपको माफ कर दिया, अब सीरियस हो जाएं और कहानी सुन ले। शाबाश बच्चों, आपने बबलू को माफ कर दिया कि बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर ये हुआ कि इसकी प्लेट वैसी की वैसी ही रही और लोमड़ी मजे से खाती रही, और बाद में बोली, अरे सारस भैया आपने नहीं खाया। यहाँ पे सारस जो है बिल्कुल खामोश रहता है। कितना गलत किया इस लोमड़ी ने, फिर तो सारा खाना जाया हो गया होगा। जी बिल्कुल बबलू भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो बहुत भूखा रह गया होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेहमानों को तो अच्छा खाना बनाकर खिलाना चाहिए। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छे से भी अच्छा भाई, 4-5 डिश होनी चाहिए खाने की, और फिर मीठे की तकरीबन 2-3 डिशे, ज्यादा खाना होना चाहिए ताकि पेट भर के खाए। हाँ बिल्कुल बबलू, खाना होना चाहिए मेहमानों के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाना बहुत ज़्यादा बनाया जाए, क्योंकि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसराफ यानी फजूल खर्ची करने को ना पसंद किया है, बल्कि वो मेहमानों के साथ बहुत अच्छा पेश आते थे लेकिन चीज़ों को ज़ाया करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अच्छा, तो इसने भी ज़ाया किया, इससे अच्छा खिला ही देती है। जी बिल्कुल, लोमड़ी बहुत गलत करती है, और वो एक तो वो खाना बनाती है और खाना सारस खा भी नहीं पाता, और इस तरह खाना भी ज़ाया होता है। लेकिन जब सारस जब उसके घर से निकलने लगता है तो लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी कल का खाना तुम मेरे घर खाओ, और लोमड़ी कहती है, ठीक है। वाह वाह, अब सारस भी कोई गेम खेलेगा। जी जब अगले दिन लोमड़ी सारस के घर आई तो सारस ने भी इसको अच्छी तरह अपने घर में खुश आमदीद कहा, सलाम ली, दुआ ली, अच्छे तरीके से वेलकम किया, और फिर कहा, आओ लोमड़ी खाना बिल्कुल तैयार है। ये क्या, सारस को भी उसकी तरह हाल ही करना चाहिए था, कड़वा खाना दे देता या तो खाना ही ना देता। वही तो, जब इसने खाने की तरफ देखा तो इसने पता है क्या देखा? क्या 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 देखा?
जब लोमड़ी ने देखा तो सारस ने भी शोरबा बनाया था और सुराही में रखा था। इस सुराही में अब सारस ने दिया लोमड़ी को शोरबा और खुद कहा कि लोमड़ी अब शोरबा पियो, और खुद सुराही में उसने अपनी चोंच डाली और मजे से शोरबा पी लिया और लोमड़ी देखती रह गई। जी तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या नतीजा निकाला? जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि बबलू भाई ने हमारे साथ किया था, वैसे ही उन दोनों ने आपस एक दूसरे के साथ किया। भाई मैं तो अब ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। जी बबलू भाई, हमने आपको माफ कर दिया। वाह वाह, आज तो माफियों का लंबा ही सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन बच्चों ने भी बबलू को माफ कर दिया है और उम्मीद है कि बबलू भी ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, बबलू की तरह आप लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं करना कि आपको ऐसा लगे कि कल को कोई आपके साथ वैसा करे तो आपको बुरा लगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है और ऐसा कभी भी नहीं करना जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते। जी तो बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी, जैसा कि हमारी कहानी का टॉपिक था जैसा करोगे वैसा भरोगे। उम्मीद है आप भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अपने लिए वो काम कभी नहीं करेंगे जो कोई अगर आपके साथ करे और आपको बुरा लगे, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बच्चों मुझे व्हाट्सएप करना मत भूलना, मैं आपके मैसेजेस का, कॉल का और आपकी वीडियो का इंतजार में रहता हूँ। जी वाह, बबलू ने मुझे याद करा दिया, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और इस तरह से मज़ेदार सी कहानियाँ लाती रहूँगी आपके लिए इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सभी देखें, सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद डेलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद डेलिया।